अस्सलामुअलैकुम। फोर क्लास लेक्चर टू में हमने पेज नंबर 220 सॉल्व करना है। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 220। पेज नंबर 220 पर हमारे पास क्वेश्चन 3 है, फर्स्ट प्रैक्टिस जोन का। यहाँ पर भी बार है, द बार ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ कप केक्स सोल्ड बाय अलाइस ऑन मंडे। अलाइस नेम है किसी भी पर्सन का, और यहाँ पर जो डाटा शो है वो बता रहा है कि कप केक्स जो हैं वो डिफरेंट फ्लेवर्स के हैं और वो अलाइस ने सेल किए हैं मंडे के दिन। ठीक है जी, अब हम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। एक साइड पर है हमारे फ्लेवर्स ऑफ कप केक्स और दूसरी साइड पर फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ कपकेक्स हैं जो कि सोल्ड हुए हैं, सेल हुए हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के। वनीला है 20, अच्छा मैंगो और चॉकलेट चिप, ये जो हैं ये इनकम्प्लीट हैं और ये हम सॉल्व करेंगे नीचे दी गई क्वेश्चंस की हेल्प से। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास पीनट बटर फ्लेवर का केक कपकेक है और इसकी नंबर कितना है, ये आ रहा है हमारा 80 और 100 के मिड में। 80 और 100 के सेंटर में हमारे पास क्या होगा, 90। तो 90 को हम यहाँ पर राइट करते हैं, ये हमारा नंबर है 90। इसी तरह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का हमारे पास कपकेक है जो कि किस नंबर तक आ रहा है, लेट्स चेक। ये है हमारी लाइन और ये लाइन हमारी है यस 40 की, हम इसलिए यहाँ पर राइट करेंगे 40। अब देखें, वनीला हमारे पास क्या है, 0 और 20 के सेंटर में है तो इसका नंबर हो जाएगा 10। अब स्टूडेंट्स, आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये हमारे पास यहाँ पर जो कॉलम बने हैं बार ग्राफ में, इसमें कॉलम नहीं रोज बनी हुई है बेसिकली। तो ये हमारे पास जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1 में और 2 में जो बार ग्राफ था वो कॉलम बार ग्राफ था, और ये हमारे पास है वो हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ था और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रीड करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। यानी कहा जा रहा है, अलाइस सोल्ड 60 मैंगो कपकेक्स एंड 60 मैंगो कपकेक्स एंड हाफ एज मैनी चॉकलेट चिप कपकेक्स। यानी मैंगो कपकेक्स थे 60 और 60 मैंगो कपकेक की हेल्प से हमें चॉकलेट चिप कपकेक्स की जो क्वांटिटी है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो मालूम हो रही है। यानी मैंगो का हाफ जो है वो चॉकलेट चिप हैं, तो मैंगो कितने हो गए 60 और 60 का हाफ क्या हो जाएगा, यस 30। तो हमें फाइंड आउट हो गया 30 चॉकलेट चिप कपकेक्स हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैंगो कपकेक हैं और ये चॉकलेट चिप। मैंगो हमारे पास कितने थे 60। जी नीचे इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन है कि मैंगो कपकेक्स कितने हैं 60, तो ये मैंगो है, इसको हम 60 तक बढ़ाएंगे इसकी लाइन को और ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक हम इसकी बाउंड्री बनाकर इसमें शेड करेंगे। और चॉकलेट चिप कपकेक कहा गया है वो हाफ है, 60 का हाफ क्या हो जाएगा 30, और 30 हमारा आएगा 20 और 40 के मिड में। यानी ये हमारी लाइन हो जाएगी, यहाँ तक हमारे हो जाएंगे चॉकलेट चिप कपकेक्स। इसको ड्रॉ करते हैं। जी स्टूडेंट, ये बार ग्राफ पर हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। यानी मैंगो जो हैं वो 60 हो गए मैंगो कपकेक्स और चॉकलेट चिप कपकेक्स जो हैं वो 30। जी स्टूडेंट्स, बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें अलाइस सोल डैश स्ट्रॉबेरी कपकेक्स। अब हमें ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन से मालूम है कि स्ट्रॉबेरी कपकेक्स कितने थे 40, वो हमने राइट किया। इसी तरह अलाइस सोल डैश मोर मैंगो कपकेक्स देन स्ट्रॉबेरी कपकेक्स। यानी मैंगो कपकेक और स्ट्रॉबेरी कपकेक का कंपैरिजन है। कंपैरिजन के लिए हम मैंगो और स्ट्रॉबेरी दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। मैंगो थे हमारे पास 60 और स्ट्रॉबेरी हमारे पास कितने हैं 30 हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा
30। तो ये हम कह सकेंगे मैंगो कपकेक्स जो हैं वो स्ट्रॉबेरी से 30 मोर हैं। डी पार्ट है हमारा अलाई सोल्ड अ टोटल ऑफ डैश पीनट बटर कपकेक्स एंड वेनीला कपकेक्स। अब देखिए पीनट बटर कितने हैं 90 और वेनीला कितने हैं 10। इन दोनों का टोटल हमने निकाला तो क्या आया 100। इसी तरह ई पार्ट भी हमने सॉल्व करना है। ई पार्ट में कहा गया है अलाई सोल्ड 3 times एज मैनी पीनट बटर कपकेक्स एज डैश कपकेक। पीनट बटर जो हैं वो किस से 3 times मोर हैं। पीनट बटर कितने हैं 90 और इससे 3 times लेस जो हैं वो कौन से हैं, यानी बार ग्राफ को देखते हैं, इससे हमें ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। पीनट बटर में है जी हमारे पास कितने ब्लॉक स्क्वायर्स यूज हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और इसका 3 लेस आ जाए तो वो क्या बनेगा चॉकलेट चिप। इसलिए हमने चॉकलेट फ्लेवर यहाँ पर राइट किया। हम कह सकते हैं चॉकलेट चिप कपकेक से 3 times मोर है पीनट बटर। एफ पार्ट है अलाई सॉल्ट डैश कपकेक्स ऑल टुगेदर। जितने भी फ्लेवर्स के कपकेक्स थे हमने इनका सम लिया, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 230। इसको आप रफली सॉल्व कर सकते हैं 40 + 90 + 30 + मैंगो कितने थे ये 60 और फिर हमारा लास्ट फ्लेवर था वनीला 10। तो हमने इनका सम लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 230। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर 2 जो है वो फिनिश हो चुका है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।